जाने वाले तेरी जुदाई का जहर भी हम तेरे प्यार की हंसी यादें अपने दिल से लगा के जी लेंगे बज़्म मेहदी हसन के साथ मैं हूं सलमान अली और मेरे साथ मेरा चन्ना पैनल के जो दूसरे साथी हैं फैसल नदीम साहब और फिर हमारे रिसर्च करते हैं मतीन महमूद साहब जब भी हाँ साहब ने जैसे गजल गाई जिसे हम खुली गायकी कहते हैं तो उनके लिए कोई हद नहीं होती थी उसमें खां साहब का एक खासा था कि वो तबले वाले के साथ जिस तरह नोकझोंक होती थी वो गज़ल को उन्होंने बिल्कुल दूसरे लेवल पे पहुंचा दिया था जैसे अब तेरी तो थी बात आपको मैंने जनरली गज़लें या मेहदी साहब वाला स्टाइल गाते हुए नहीं सुना तो जब आपको यहाँ इनविटेशन आया तो सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुई सिलेक्शन में हुआ था बट ये था कि द इंटायर इशू वाज दैट कि यू नो इतना सीनियर नाम और फिर उनके बाद यहाँ आकर बैठना और आपा के साथ तो इट्स हार्ड फॉर मी टू सिंग सच यू नो ऑन सच ऑन फैबुलस लेवल पहले ज़माने में मीडिया नहीं था वो महाराजाओं के पास गाते थे जी लेकिन ऐसे मेहदी हसन साहब जैसे उनके घराने में न साथ पूछते पहले थी ना कोई बात में हुआ आप तो भूल जाए इतने तो बेवफा नहीं मेहदी हसन साहब से मैंने पूछा खां साहब आपके इतने सारे गाने वहीद मुराद साहब पे पिक्चराइज पे कोई एक गाना जो आपको खुद पसंद आ रहा हो कि भाई वहीद साहब पे सूट करता हूँ मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहो ये ऐसा गाना है कि मुझे ऐसा लगता है वहीद खुद गा रहे हैं जो सच्चे आर्टिस्ट होते हैं वो फनकार आवाम में ही मकबूलियत हासिल करके अपने झंडे काटते हैं अब आपने उमेरा की तरफ जब ये इशारा कर दिया है हाँ। तो मैं अगर आपका इसका इशारा समझूं तो मैं उमेरा से कहूं कि एक गाना सुना दें थोड़ा सा ताकि देखिए बुरे भले की तमीज हो जाएगी जरा चलो यूं ही रूठे रहो लबों से भी कुछ ना कहो मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं इतने अच्छे प्रोग्राम में कोई कमेंट्स दूं या कुछ करूं क्योंकि मैं तो इस ये प्रोग्राम मेरे से बियॉन्ड है भाई बड़ा नहीं, है नहीं नहीं बड़ा माशाल्लाह आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं नहीं, नहीं, हमारे नहीं। मुल्क का सरमाया हैं और हम सब के सीनियर हैं तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं
कुछ नहीं मेरे मुल्क का ये अजीम फनकार अपनी तिलिस्माती आवाज के ऐसे रूपरवर करिश्मे दिखाता हुआ गुजर जाता था कि जो आज भी हमारी समातों और हमारे दिलों में और हमारी यादों में महफूज हैं और हमेशा रहेंगे। मेरी याददाश्त में एक गाना है जो पीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था और सुहेल राणा साहब ने कंपोज किया था, और इत्तेफाक यह है कि आज उस गीत को गाने वाली दोनों ख्वातीन सिंगर यहाँ मौजूद हैं। झूला डालो रे सखी सावन आयो रिम जिम रिम जिम मेरे हावर से रिम जिम रिम जिम मेरे हावर से मन मेरा झूम झूमता। वहीद की फिल्मों में फिल्माए गए वो ज़्यादातर वहीद अपने खुद ही बैठ के इनको कंपोज करते थे, इनके म्यूजिशियंस के साथ बैठ के कई दिन इन लोग बैठ के ये धुने बनाते थे, दैट्स वाई। और उनको शौक भी था गाने का। मुझे तुम नजर से गिरा तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन। और दूसरा उनका अकेले न जाना था। मेरे चलते हुए गाने भी हैं जी, बिल्कुल, जिसमें मैंने बजाया है जी। और कुछ सितार ऐसी जगह बजाया है जहाँ वो पूरा पूरा सितार के गाने हैं, जैसे पत्थर के सनम। बड़ी बीट खोला साफ करके लगा दिया, कहने मियाँ देख रहो अब मैं पहिया घुमा रहा हूँ हिल नहीं रहा, सही चल रहा है ये, अब आराम से जाएं। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, तो जिंदगी का पहिया भी इसी तरह चलते रहना चाहिए। बंदे